हे गाइस, आज की एक और न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की इस न्यू वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एयरटेल पेमेंट बैंक में जो वॉलेट का पैसा है, कैसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, वो भी बिना एक रुपया इन्वेस्टमेंट के। जैसे कि देख सकते हो, मैं जैसे यहाँ पे अपने वॉलेट को ओपन करता हूँ तो देख सकते हो मेरे वॉलेट में यहाँ पे 18 रुपये शो कर रहा है, जैसे कि आपके सामने देख सकते हो। तो इसे आप कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर अगर आप इसमें और भी पैसा ऐड करना चाह रहे हो एयरटेल वॉलेट में, अगर और पैसा ऐड करना चाह रहे हो तो कैसे ऐड कर सकते हो, मैं आपको दोनों प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, इस वीडियो को स्किप मत करना है। अगर गाइस इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक वॉच कर लेते हो तो आप बहुत ही इजीली तरीके से अपने वॉलेट के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना है, जो देख रहे हो ने उसके जस्ट नीचे लाइक बटन दिया हुआ है, तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया ने तो फटाक से जाकर एक लाइक कर दो। लाइक करने के बाद गाइज अब आपको क्या करना है कि अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है फटाक से जाकर सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकन की घंटी है ऑल पे सिलेक्ट कर दो ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, उस वीडियो को सबसे पहले आप देखकर फायदा उठा सको। अगर इसी तरह का न्यू वीडियो देखना चाहते हो तो फटाक से जाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। तब चलो मैं बता देता हूँ कि कैसे आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के जो वॉलेट में पैसे होते हैं कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना है कि आपको एयरटेल पेमेंट बैंक को पहले अपडेट कर लेना है, अपडेट करने के बाद ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं एयरटेल पेमेंट बैंक को ओपन कर लिया हूँ, आपको भी कुछ इस तरह के इंटरफेस शो कर रहा होगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप भी इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर जैसे क्लिक करते हो ने तो यहाँ पे देख सकते हो आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो अगर गाइस आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक में जो वॉलेट में पैसा है उससे अगर आप रिचार्ज करते हो तो वहाँ पे भी आपको 20 रुपये का ऑफर मिल जाएगा, कैशबैक भी मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे अगर इसके थ्रू रिचार्ज करते हो या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हो या फिर कुछ भी करते हो तो आपको 20 रुपये का कैशबैक मिलेगा, ये आपको 960 रुपये तक के मिलेगा। उसके बाद गाइस फिलहाल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो देख सकते हो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, ऐड मनी और सेंड मनी। तो अगर आप इसमें पैसा ऐड करना चाहते हो तो ऐड मनी पे क्लिक कर दीजिएगा। ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, फिर जितना ऐड करना चाहते हो यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा और यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करके यहाँ पे जितना ऐड करना चाहते हो उतना ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाह रहे हो बिना एक रुपया इन्वेस्टमेंट के तो उसके लिए सेंड मनी पे क्लिक कर दीजिएगा। सेंड मनी पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो अगर आप यहाँ पे फोन नंबर के द्वारा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो यहाँ पे फोन नंबर फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे बैंक नेम, यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ फोन नंबर फिलअप कर देना है, यहाँ पे एक छोटा सा कॉमेंट कर देना है कुछ भी। उसके बाद गाइस आपको फोरशीट पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप फोरशीट पे क्लिक करते हो उसके बाद फिर आपको अगला इंटरफेस शो हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, तो लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो शॉप का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप बहुत ही इजी तरीके से सिर्फ स्कैन करके पे कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस स्कैन कर लीजिएगा और यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन दिखेगा, स्कैन QR कोड, यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो चलिए मोबाइल नंबर पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करने को कहेगा, तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर फिलअप कर दीजिएगा। फिलअप करने के बाद फिर यहाँ से भी आप बहुत ही इजी तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप उतना प्रोसेस नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपल तरीके से भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप कर देता हूँ, फिर बताता हूँ आगे की प्रोसेस। पे नाउ पे क्लिक करते हो, उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में लिखा हुआ है इंटर अमाउंट। तो यहाँ पे जितना आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाह रहे हो या फिर उसके पास ट्रांसफर करना चाह रहे हो उतना आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 10 रुपये फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद आपको गुड के निशान पे क्लिक कर देना है। जैसे ही गुड के निशान पे क्लिक करते हो उसके बाद गाइस देख सकते हो यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे गाइस आपको एम पिन जो ने क्रिएट किए थे वो एम पिन आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे आप अपना एम पिन फिलअप कर देते हो उसके बाद गाइस सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाक से एक लाइक कर देना। लाइक करने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है कि अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है फटाक से जाकर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस अगर अभी तक अपने फ्रेंड या रिश्तेदार के साथ शेयर नहीं किया तो फटाक से जाकर शेयर कर दो। तो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।